जी आए और रामकृष्ण परमहंस जी जैसे ही आए तो सब ने मिलकर पूछा, गुरुदेव आपकी जरा सी बात सुनने के लिए हम पूरी रात से जग रहे हैं। गुरुदेव बताओ ना कि भगवान की बंसी में ऐसा क्या था जो गोपियां आधी रात को अपना घर छोड़कर आ जाती थी, गोपियां अपने परिवार को भूल जाती थी, ऐसा आपकी बंसी में, भगवान कृष्ण की बंसी में ऐसा क्या था। रामकृष्ण परमहंस जी ने हाथ जोड़कर कहा, अरे भक्तों भगवान की बंसी में ऐसा क्या था वो तो मुझे नहीं मालूम, पर आज भी उनकी बंसी में दम है, इसलिए पूरी रात से आप लोग यहां बैठकर उस बंसी का गुणगान सुनना चाहते हैं। क्या है उनकी बंसी में हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते, पर कुछ तो है, कुछ तो है उस बंसी में, इसलिए गोपियां भूल जाती थी और इसलिए आप सब। अब कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि आखिर ये सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जो 20 लाख 22 लाख लोग पहुंच गए, तो हम भी उनसे कहते हैं कुछ तो होगा रुद्राक्ष में, नहीं तो ये 22 लाख अपना घर छोड़कर पहुंचते क्यों, कुछ तो होगा।